लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। इस दौरान सभी ने सामूहिक रूप से प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगाया। भाजपा कार्यकर्ता तथा आम नागरिकों के विरुद्ध कानून का दुरुपयोग करने को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार अस्तित्व में आई है, तभी से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है और आम जनता के बीच भय का वातावरण पैदा कर भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करके निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा, ऐसे माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करती तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के दलित विरोधी भू माफियाओं को संरक्षण देने, भू माफियाओं के नाम पर गरीबों के मकान तोड़ने, उनके मकान नापने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जब सरकार के अत्याचार के खिलाफ कोई कार्यक्रम होता है, आंदोलन होता है, इसमें झूठे केसों में फंसाने का जो काम होता है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आज टीकमगढ़ में भी ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है और हम आरोप लगाते गंभीरता पूर्वक, ये सरकार रेत माफियाओं की सरकार है, ये सरकार भू माफियाओं की सरकार है, ये सरकार ट्रांसफर माफियाओं की सरकार है, ये सरकार दलित विरोधी सरकार है, ये सरकार अनुसूचित जनजाति विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है। मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ कि ग्वालियर चंबल संभाग में डकैतों को संरक्षण नहीं मिला था, शिवराज जी के नेतृत्व में सफाया कर दिया था। आज मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है, लोगों को लूटने का काम हो रहा है, भू माफिया के नाम पर 400 लोगों को तोड़ दिए, उसके बाद गरीबों के मकान नापे जा रहे हैं, उनसे पैसा मांगा जा रहा है। सीए के समर्थन में राजगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वंदे मातरम भारत माता के नारे लगाते हुए शांति से चलता है, प्रशासन 144 धारा के आधार पर और उन पर डंडे बरसाना चालू करती है, प्रशासन खुद पीटता है, ये निंदनीय कृत्यां हुए हैं। अभी सागर के भीतर 10 दिन पहले एक समुदाय विशेष के 20-25 लोगों ने धन प्रसाद अहरवार को सरेआम जला दिया, उसका इलाज भी ठीक ढंग से बड़ी यूनिट में नहीं हुआ, बल्कि केंद्र के एससी आयोग के उपाध्यक्ष के सक्रियता के कारण प्रशासन को उन्होंने जब हड़काया, उसके बाद उनका सफदरजंग अस्पताल में इलाज हुआ। बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।